एक ही धर्म है भारत अपना, एक ही रंग तिरंगा है। मानवता तहजीब हमारी जैसे जमुना गंगा है। वक्त है आया छोटे मुख से करनी है अब बात बड़ी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे देश प्रेम है सर्वोपरि। के हम हैं भारतम भारतम, जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। नीच के रंग भेद में, जात पात के राग द्वेष में, देश न बटने पाए साथी, देश न टूटने पाए। भूमि है ये बलिदानों की, त्याग परिश्रम कुर्बानों की। प्रेम न घटने पाए साथी, अमन न छटने पाए। गांधी लोहिया बोस भगत सिंह जैसे रत्नों से है जड़ी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे देश प्रेम है सर्वोपरि। के हम हैं भारतम भारतम, जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। लोकतंत्र की सांस घुट रही, प्रजातंत्र में प्रजा लुट रही। पीड़ित वंचित और शोषित का धीरज छूट रहा है। विनाशवादी सोच मिटाए, विकासवादी दीप जलाए। समाजवादी राह चुने और जन कल्याण में आए। खुद की खातिर खुद ही हमको लड़नी है अब जंग बड़ी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे देश प्रेम है सर्वोपरि। के हम हैं भारतम भारतम, जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जवान और जय किसान की, घर घर फिर जय घोष उठाए। एक अखंड राष्ट्र निर्माण में आओ सब जुट जाएं। गैर बराबरी सामंतवादी सोच उखाड़ के फेंके आओ। नर नारी में हो समानता, दुनिया ऐसी बनाए। उठ जागो फिर कस लो कमर, संपूर्ण क्रांति की आई घड़ी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे देश प्रेम है सर्वोपरि। के हम हैं भारतम भारतम, जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। कर्मयोग श्री कृष्ण ससाधे, मर्यादा प्रभु राम की पाए। मन गंगा जमुना सा निर्मल, जीवन तीर्थ बनाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में बट ना जाए। अलग अलग सब संस्कृतियों से मानवता को सजाए। सत्य अहिंसा और शांति बिन संभव ना कोई जीत खरी। क्या तेरी क्या मेरी बंदे देश प्रेम है सर्वोपरि। के हम हैं भारतम भारतम, जय जय
धारा है यह धरती, इसके प्रति कर्तव्य निभाएं, वृक्षारोपण और जलवायु पर्यावरण को बचाएं। रोजी रोटी खुशहाली की, हर जीवन खुशहाल बनाए, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सबको सबल समाज बनाए। तेरी भी जय मेरी भी जय, सबसे बड़ी जयकार यही, क्या तेरी क्या मेरी, वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि, के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं भारतम। जरूरतमंद कमजोर गरीब का शोषण और उत्पीड़न क्यों हो, महिलाओं मजदूर किसान का जीवन अक्षम क्यों हो, बेरोजगारी और महंगाई निर्बलता निर्धनता क्यों हो, बुनियादी सुविधा को तरसता कोई आंगन क्यों हो, जब जनता ही है जनार्दन क्यों न करे फिर राज वही, क्या तेरी क्या मेरी, वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि, के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं 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 भारतम। एक ही धर्म है भारत अपना, एक ही
हमारी, इनकलाबी है पहचान हमारी, क्रांतिकारी है अमन प्रेम हो।
सम्मानित मीडिया और पत्रकार भाइयों, बहुत ही हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं, पूर्व विभाग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में, नीतियों में, विचारधारा से प्रसन्न होकर आज बहुत महत्वपूर्ण नेतागण बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, जिनकी प्रमुख सूची मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सूची बड़ी है, वह सूची मैं सभी पत्रकार भाइयों को बाद में उपलब्ध करा दूंगा। पहला नाम है श्री राकेश पांडे, पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर। श्रीमती माधुरी वर्मा वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी जिला बहराइच। श्रीमती कांति सिंह, पूर्व MLC लखनऊ। श्री ब्रजेश मिश्रा, पूर्व विधायक प्रतापगढ़। श्रीमती सैयदा खातून, पूर्व प्रत्याशी डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। श्री बीरबल सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल जनता पार्टी। श्री गजराज नागर, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। श्री कृष्ण पाल जाटव, पूर्व प्रमुख दादरी। श्री ओमवीर मंडार, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में। श्री वेतराम गुजर, ये सैकड़ों साथी अपने लोग लेकर आए हैं, सूची में उपलब्ध कराऊंगा। अगला नाम है श्री केके उपाध्याय। श्री रामवीर करदम, पूर्व प्रत्याशी फिरोजाबाद लोकसभा। श्री जफर अहमद, वर्तमान चेयरमैन डुमरियागंज। श्री मुजीब अहमद, पूर्व प्रत्याशी सुल्तानपुर। श्री अनीस मंसूरी, पसमांदा मुस्लिम समाज। श्री फराजुद्दीन किदवई, पुत्र श्री गयासुद्दीन किदवई बाराबंकी। श्री मुसाफिर चौहान, पूर्व प्रत्याशी मुगलसराय जिला चंदौली। श्री समरनाथ, पूर्व प्रमुख सिकरारा जौनपुर। सहित बड़ी सूची पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं श्री सैयदा खातून साहब के साथ श्री नावेद रिजवी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर। श्री जयफर अहमद, श्री मोहम्मद सुहेल, फैजान अहमद, श्री बालकृष्ण ओझा, श्री काशीराम, श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय, हामिद हसन। इनके अतिरिक्त हजारों की संख्या में इनके साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए सभी लोग आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री राजकुमार भाटी के प्रेरणा से बड़ी सूची है, उसके कुछ नाम आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गजराज नागर, श्री कृष्ण पाल जाटव, श्री ओमवार मंडार, श्री देवेंद्र टाइगर, श्री रामशरण नागर, श्री वेगराज गुर्जर, श्री लाल सिंह गौतम, श्री लाड साहब लोहिया, प्रमोद भाटी, श्री सूर्य प्रताप सिंह एडवोकेट, श्री अभय त्यागी, श्री धीरेन्द्र नागर, दीपक भट्टी, रोहितास प्रधान, असमत प्रधान, सुभाष भाटी, ब्रजेश जाटव, जगपाल जाटव, श्री राहुल आर्यन, अनिल नागर, शेलक प्रधान, श्री वरुण शर्मा, श्री गोविंद निषाद मंडल कोऑर्डिनेटर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।
अगली सूची है श्री रामवीर कर्दम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फिरोजाबाद आगरा, डॉक्टर श्याम सुंदर कर्दम जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मथुरा, श्री मछला कर्दम, श्री दयानंद व्यास चौधरी, श्री कुलदीप सिंह, प्रीतम सिंह बौद्ध, कालीचंद सुमन, सुखवीर सिंह, श्री राकेश बौद्ध सहित सैकड़ों की संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री जितेंद्र पवार ये अध्यक्ष हैं देश बचाओ पार्टी के, ये अपनी पार्टी का पूरा समर्थन बिना शर्त जिसे समर्थन पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष इसके साथ साथ श्री महेंद्र निषाद राष्ट्रीय प्रभारी मछुआरा प्रकोष्ठ, श्री जनार्दन निषाद पूर्व चेयरमैन मत्स्यजीवी सहकारी समिति, श्री जयशंकर पांडे प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ये आज समाजवादी पार्टी है, श्री सुधीर गौतम जिला अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष भदोही बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। ये सूची पसमानदा मुस्लिम समाज की, श्री अनीस मंसूरी, श्री हाजी अंजुम अली, श्री मोहम्मद वसीम रानी, मुख्तार अहमद मंसूरी, श्री हाजी शब्बीर अहमद, श्री अंसार अहमद, श्री तहसीन अहमद, रहीम बख्श सहित ये लोग सैकड़ों की संख्या में आज सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री मुजीब अहमद, श्री स्वर्गीय कैप्टन अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इन सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि इन सबको माननीय श्री महेंद्र निषाद भूल गया महेंद्र निषाद राष्ट्रीय प्रभारी मछुआरा को तारिक किदवई बाराबंकी, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं। तारिक किदवई बाराबंकी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जलवंशी ग्रुप के हमारे साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, मैं उन सभी को स्वागत करता हूं। अखंड जलवंशी सेवा संस्थान, अखंड जलवंशी सेना, श्री दिलीप कश्यप, श्री देवीलाल निषाद, श्री रामचंद्र निषाद, श्री सत्यनारायण कश्यप, श्री बद्रीनाथ निषाद, श्री ओम प्रकाश कश्यप, श्री माखन लाल कश्यप, श्री संजय कश्यप, श्री लक्ष्मीनाथ निषाद, श्री भरतलाल कश्यप, श्री श्याम सुंदर कश्यप, श्री रवि वर्मा, श्री पुष्पेंद्र रेखवार, श्री रामबाबू गौड़, श्री बेचेलाल बातम, श्री विजय सिंह कश्यप, श्री दीपक कश्यप, योगेंद्र कश्यप, श्री अरविंद कश्यप, श्री पिंटू कश्यप, श्री अनिल कश्यप, श्री सचिन चौधरी, श्री बिट्टू कश्यप, श्री छोटू रावत, श्री अरुणेंद्र निषाद, श्री मदनलाल, श्री प्रताप चंद कश्यप, श्री मोहित कुमार, श्री सागर दानी, ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अखंड जलवंशी सेवा संस्थान के साथी आए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूँ कि वो अब मैं ओम प्रकाश राजभर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आज इस हाल में पहली बार आया हूं, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बदौलत हम यहां आए हैं। इसके लिए नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सच है कि आप लोगों ने अपनी लेखनी और अपने
चैनलों पे नहीं दिखाया होता तो शायद इस हाल में ओम प्रकाश राजभर नहीं आ पाता। और हमारे मंच पे विराजमान तमाम पार्टी तमाम संगठन के साथियों ने आज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया समर्थन दिया उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमने तो आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और 3 साल पहले कहा था लेकिन हमारे पत्रकार भाई तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा योगी जी मोदी जी के ललका सांड से पूरा प्रदेश परेशान बा। इसे निजात चाहता ट्रामा सेंटर चले जाइए 70% मरीज योगी जी मोदी जी के ललका सांड से लड़के आवत हैं। ट्रामा सेंटर में जाके देखिए। हम लोगों ने मन बनाया है माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है ऐसे ही 2022 के बाद बगलिए में रह 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरा रहे गरीबों का इलाज फ्री में होगा। और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो गुंडई ज्यादा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुंडई भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। फर्जी पत्रकार चौथा स्तंभ होता है सरकार को आईना दिखाने का। जब मिर्जापुर में पत्रकार ने सही बात छापा सरकार को नोटिस में लेकर के काम करना चाहिए तो उस पत्रकार को दिखाया खाली अखबार में छाप दिया कि मिड डे मील योजना में विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। इस हिटलर शाही सरकार को सत्ता से बेदखल करना ओम प्रकाश राजभर ने मन बना चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने सभी साथियों के साथ 22वें मैदान में शपथ समारोह में आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगा कि 3 साल पहले जो कहा है आज देखिए सपना साकार हो रहा है। तो बहुत कुछ नहीं हम तो मंच पे ज्यादा बोलते हैं यहाँ तो आप लोग सब लोग समझदार हैं। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी से आप लोग सुनिए ये विस्तृत बताएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और खुशी की बात यह है कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की हमारे पास एक लंबी सूची नहीं आ रही है। ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो 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 ये तुम्हारा ऑडियो हमेशा गड़बड़ रहता है। अरे यार तुम्हारा ऑडियो एक ही चैनल है जिसका ऑडियो गड़बड़ है। आ रहा आ रहा कौन कर ऑडियो मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी ओम बीड मंडार जी बेजराम गुजर जी के उपाध्याय जी रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। जफर अहमद साहब
मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत बधाई। इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित आज समाजवादी पार्टी में शामिल है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुसीफ मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निशा जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर है, हॉल में नहीं आ पाए। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में है, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था, बाराबंकी के हैं और बड़ी संख्या में इनके सहयोगी समर्थन है और आपको तो ले दिया, मैंने आर्मी से रिटायर है, फौज में थे, ये फौज के बाद फादर फौज में थे और उसके बाद असली फौज में अब आ गए, समाजवादी फौज के साथ शामिल हो गए। हमारे साथ अभी ओमकार राजवत जी ने जो कहा बिजली को लेकर के और हमारे तमाम साथी सहयोगी, और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में यह कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती, हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना ना लगे उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया, वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार में वो फैसले न लिए हुए होते तो शायद पारिशा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता जिसका उद्घाटन बाद में हुआ। इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था सिंचाई का, विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था, 3x650 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो ललितपुर में बनकर के तैयार हो गया है।
उसके बाद एटा में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है। हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजलिया कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरद्वारगंज में 660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660। निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती, वो बनकर के अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह सोलर प्लांट के लेकर के सोलर में बिजली को बढ़ाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। मुझे याद है जिस समय फ्रांस के स्टेट हेड उद्घाटन कर रहे थे, वो अगर योजना किसी के समय की थी सोलर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट की, तो वो समाजवादी सरकार की थी जो मिर्जापुर में स्वीकृत होकर के प्लांट चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांटों को लगाने का काम हुआ। हमारे बगल में बैठे हैं माझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो NTPC का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। LND के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहां पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि वहां के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहां पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का काम चल रहा है। 13-2 है 660-662, तो 1300 के लगभग मेगावाट बनकर के तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी इस सरकार नहीं कर पाई, इस सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर की बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने 3 कानून वापस ले लिए और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि 3 कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। साथ ही साथ ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहां लगे हैं, कोल जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने कोल जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के कोल जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी, लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से को जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया है। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना आपने? 5 साल गुजर गए, अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन बोला उन्होंने तो बता दो। अभी वो रट रहे हैं अकेले में बैठ करके और अगली प्रेस में जाना पूछना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रट पाए कि नहीं रट पाए।
अभी वो अकेले में बैठ कर के रट रहे हैं कि 3x63 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोला जाए, अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की। और आपने ये सवाल पूछ लिया, वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसने शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में। अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी ने आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सबस्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना, मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत कर ली जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्याम देव चौधरी जी, वो वहां हड़ताल पे बैठ गए थे, और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे उस समय के जो जिला अधिकारी थे उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया अपने यहां बैठा करके उनकी भूख हड़ताल छुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी है, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी साथी युवा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है। वो आपके साथ 4-5 लोग ज्ञापन देंगे, आप बुला लो, आप लामपे सिंह के साथ बुला लो पहले, तब ज्ञापन बाद में लेंगे, सवाल जवाब हो जाते। आप वो खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी, और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। ये सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती कि ये माफिया किस पार्टी के तो अच्छा लगता नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूं वो बात,
अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग है, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई ये किताब, द सोशलिस्ट मॉन्क, द सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है। जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो है वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ध्यान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क। नहीं सके, ये आपकी बहन, वो उन्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा कोई सवाल नहीं है ये। हाँ, सवाल उत्तर प्रदेश में 24 लाख लोग जो है वो श्रम सेवा योजना विभाग में रजिस्टर्ड है। 2012 से 2017 तक का आपका जो पीरियड देखा था मैंने, उत्तर प्रदेश भर्ती चयन आयोग है जो समूह ग की भर्तियां करता है, और उस पीरियड की जो भर्तियां हैं और खासतौर पर इस पीरियड की जो 5 वर्षों की लगभग भर्तियां हैं, इतने बेरोजगार हैं। और इस पीरियड की भर्तियों में लगभग 12 भर्तियां होनी थी जो नहीं हो पाई, और तमाम जो आयोग बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसमें भी तमाम भर्तियां नहीं हो पाई, तो फर्क साफ है। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ याद दिलाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे, अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर, हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को, लैपटॉप तो समाजवादी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें ये आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें, और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतने बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो, इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा झूठा है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें,
कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया है। अध्यय जी अध्यय जी कमी को लेकर पावर एक्सचेंज ने से यूपी सरकार ने 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली भी खरीदी और उन्होंने कहा मैंने सबको बिजली दी है फ्री दी है और 24 घंटे दिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाना चाहिए था, बिजली का कोटा बढ़ा देते और कम से कम कोयले का भी कोटा बढ़ा देते और 25 रुपए में खरीदोगे तो केंद्र सरकार क्यों बनवाई जनता ने, ये मुख्यमंत्री जी पूछते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं, जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था दो दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के एक साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे। अध्यय जी 300 यूनिट बिजली मुक्त है, कल को आप सरकार बनेगी तो क्या बकाए बिल भी माफ होंगे? तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है सर, सबका रहा है सर, सबका रहा है सर, सबका रहा है बिल, तुम्हारा बिल भी बढ़ जाएगा। तुम हमें सरकार बना लेने देते 17 में तो तुम्हें इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, हमारे खिलाफ वोट डाले हमारा आखिरी में। जब प्रेस वालों का आखिरी सवाल हो तो ये बता देना इनका पूछो। और संजय सिंह आपसे मिले भी थे, पर कल जब केजरीवाल आया उन्होंने कहा कि बिजली फ्री देने का फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी को आता है और किसी को नहीं। अरे यार क्या सवाल पूछते थे। मैंने प्लांटों के नाम बताए, जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे मुझे याद है शाहजहांपुर का रोजा का पावर प्लांट लगा प्राइवेट, नेताजी ने इस प्रदेश के लिए को जनरेशन का प्लांट लाया, अनपारा डी का समावेश सरकार में हुआ, लैंको का नेताजी लाए। और मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय मैं हरद्वागंज का प्लांट का शिलान्यास करने जा रहा था तो जिस कंपनी को ठेका मिला था, जापान की वो कंपनी थी, वो कंपनी के जो सबसे बड़े अधिकारी आए थे जापान से चल करके, उन्होंने गिफ्ट में मुझे वो तस्वीर दी जब कभी नेताजी ने प्लांट का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आज वो तस्वीर दे रहा हूं कि एक बार आपके पिताजी ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था और आज मैं आपके यहाँ शिलान्यास कर रहा हूँ और उद्घाटन करने आऊंगा तब दोबारा आपको मैं तस्वीर दूंगा। तो पावर प्लांट, जो पावर प्लांट बनाने का काम को जनरेशन सोलर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश आज कह सकता है मेजा के प्लांट भूल गया मैं, जो आपके इलाहाबाद के एनटीपीसी का और जेपी का जो पावर प्लांट लगा है वो भी समाजवादी सरकार की देन है, हालांकि पुरानी सरकार ने भी स्वीकृत किया था उसको आगे, नहीं वो जेपी का है, वो बसपा ने थोड़ा आगे किया था बाकी हमने किया, वो बजाज का वहाँ है ललितपुर में। सवाल मेरा है अध्यक्ष जी, इनका ले लीजिए, लेकिन एक से देखो देखो ऐसा है ना, एक मिनट कभी मजा आएगा, ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं नहीं हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने किया उसका नाम ले दो, इतना सा निवेदन है हमारा, सबको सबको जैसे सबका साथ सबका विकास वो नकली है, ये बिजली की जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है। केजरीवाल भी दिया सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो भ्रमित हो गए और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। बात पे आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने मतलब इतने बड़े चैनल को बहुत तकलीफ है भाई, आपको सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या?
धान कैसे बिक गया, और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है? बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज किसान की महंगी कर दी, और जब खाद खरीदनी थी आप बताइए खाद कहाँ किसान को मिली? इसलिए किसान को खाद नहीं मिली। और बताइए ये तो पहाड़ी जी से सीखे हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ये भी वाले सीखे कहाँ से 5 किलो निकालना, ये पता आपको? ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट कम कर दिए, उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी, और कहो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। तो इसलिए मैं आपका कह रहा हूँ, ये पूछे कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी? लास्ट में तुम्हारा। अरे भाई क्यों बहस में पड़े उसमें? अच्छा ये बताइए, एक मिनट, नहीं अभी इसके बाद आखिरी ये रह गए, हाँ इनका ले लीजिए। डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे से, एक मिनट, डबल इंजन टकरा रहा है वो नहीं बोल पा रहे हैं, ये छोटे मोटे बोगी और दूसरे तो टकराती रहेंगे लेकिन असली डबल इंजन टकरा रहे हैं आपको ये नहीं पता? सही बात। जो उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है मुसलमानों के योगदान से बनती है। अच्छी बात कही, ये क्या खराब बात कही? लेकिन ये बताओ सवाल ही नहीं हो पा रहा, किसान गरीब व्यापारी नौजवान ये कहाँ है? ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर। बहुत सही, बहुत सही सवाल, सभी ऐसा जिंदाबाद। नहीं वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे, ये हम बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं है। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मुझ लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भरमा है, रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है हमें हर दिन सपनों में आते, ये जहां से हमारी पार्टी गई वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, और याद कीजिए नेताजी कहां कहां से नहीं लड़े,
नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ने जाएंगे वहां की जनता तैयार बैठी होगी। इनको पूछ लें तो आजकल इनका इनको आगे बढ़ाना है, बताइए। सब पार्टियां बढ़ा रही हैं, इनका बोले फिर तुम्हारा पूछिए सवाल जवाब देंगे। हाँ पूछिए लड़ ले। अरे सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को उसके खिलाफ है हम लोग। ये काम नहीं होना चाहिए और ये गलत काम है। सरकार को आखिरकार क्या इंटेलिजेंस सरकार की कर रही है, क्या सोशल मीडिया केवल विपक्षियों के फोन सुनने का काम करेंगे? इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी भी धर्म का या किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुखों ने और प्रबुद्ध जनों ने किसने भाषण दिया, तथा कथित धर्म संसद में जो भाषण दिया गया उसके बाद उन्हें जेल भेज देना। जेल तो चले गए, चले गए और लोग भी जाने चाहिए, और लोग भी जाने चाहिए गलत भाषा का इस्तेमाल। इनका सवाल ले लीजिए, बहुत देर तकलीफ है, इनका बहुत तकलीफ है। बोलो 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 बोलो। अरे बड़े पैमाने में नौकरी मिलेगी, घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर सकते आप? बीपीएड टीटी बहुत सारे बड़े पैमाने पे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, बीएड बीपीएड टीटी वाले शिक्षा में तो रोजगार से बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है। अरे हो गया सवाल, बोले आई डी पहुंच गया, समझ गया तुमको, आई डी ना दिखा दे। ये क्या पत्रकारों को भी नौकरी मिलेगी? मिल जाएगी। राजवल जी कह चुके हैं पत्रकार साथियों आपके लिए, ये सवाल यहाँ से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज सेंटर है, और कन्नौज आज का सेंटर नहीं है, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का सेंटर है, वो राजधानी थी देश की। और वहां एक राजा ऐसा रहा जिसका नाम कोई दूसरा रखता नहीं है, जयचंद। कोई जयचंद नाम से व्यक्ति नहीं मिला इस कमरे में, तो नहीं कोई जयचंद नाम से कोई नहीं, नहीं कोई जयचंद नाम नहीं रखता है। कन्नौज की जनता ने जयचंद को भी भगा दिया। ये साजिशें और षड्यंत्र और लोगों को अपमानित करने का काम लगातार चलता रहेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि ध्यान हटाना जरूरी है, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट द ब्रेन। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज लाए, सोच समझ के लाए, कभी जाति और धर्म में झगड़ा करा देना। इस देश की संस्कृति रही कि जहां पर गंगा जमुनी की तहजीब कोई एक दिन में थोड़ी बनी, हजारों साल लगे तब गंगा जमुनी तहजीब बनी है। हम एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे की चीजों को अपना लिया, वर्षों में रह रह करके साथ, कभी भाषा में अपना लिया, कभी खाने में अपना लिया, कभी कपड़ों में अपना लिया, कभी हमने गानों में अपना लिया। तो कोई एक दिन में थोड़ी चीजें एक दूसरे से मिल गई है, हजारों साल लगे हैं, तभी हम कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब। तो ये जो कन्नौज का मामला है, केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने भी पहले दिन जिस पर
छापा पड़ा है इत्र व्यापारी पर। जिन लोगों ने भी समाजवादी इत्र से और समाजवादी पार्टी से जोड़ा, उन्हें निर्देश मिले कहीं से, और हमारे पत्रकार साथी ने निर्देशों का पालन किया, बड़े ओविडेंट हैं कुछ लोग, और उन्होंने निर्देशों का पालन किया और उसका प्रचार किया, तो कन्नौज के इत्र वो सौहार्द का इत्र है, मिलने का इत्र है। हर आदमी जीवन की खुशबू और खुशबू को नहीं समझता, जो आदमी अकेला रहता हो वो क्या खुशबू को समझेगा। हाँ, हो गए तुम कहाँ हो गए, किसको व्हाट्सएप कर रहे हो? तो इत्र का हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खुशबू पसंद होती है, कुछ खुशबू उसको नहीं पसंद होती है, खाना हो खाने में खुशबू है। ये जीवन की जो खुशबू है ये विजित को नहीं पसंद, खुशबू पॉलिसी पे। अब वो बीजेपी कहे तो उसका भी बना देंगे, पता है तो हमने बनवा के भिजवा देते। कन्नौज के लोग मिट्टी का भी इत्र बनाते हैं, और हर एक का एक अपना फॉर्मूला होता है। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़े पैमाने पे दुनिया में कारोबार है। इस सरकार को उस कारोबार को बढ़ाना चाहिए था, ना कि अपमानित कर रहे हैं। और सोचिए अल्पसंख्यकों पे कितना हमला है, वो अल्पसंख्यक थे दोनों, इसीलिए हमला उन पर हुआ है। जैन समाज क्या है आबादी में बताओ, 45 लाख 50 लाख होगा, 50 लाख से ज्यादा जैन समाज नहीं है आबादी में, उन पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? वो इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। और एक रिजर्वेशन हुआ करता था एंग्लो इंडियंस का, विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी नॉमिनेशन से पहुंचते, लोकसभा में सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी आई, तुरंत हटा दिया वो भी रिजर्वेशन। वो कौन लोग थे जिन्होंने हरियाणा में मूर्ति को तोड़ा? सिख समाज पर क्यों अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और आतंकवादी तक कह दिया गया था, और कहा कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, हिंदू और सिखों की लड़ाई है। ये कौन लोग थे? इसलिए इनके जीवन में कोई खुशबू नहीं है, ये कभी खुशबू पसंद नहीं कर सकते। ये कारोबार के खिलाफ है, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है। अगर कन्नौज का कारोबार है तो किसान कहीं ना कहीं मेहंदी उगा रहा है, कहीं ना कहीं बेला उगा रहा है, कहीं ना कहीं से केवड़ा ला रहा है, केवड़ा लाने वाले की जात क्या है, इत्र बनाने वाला कौन है, लगाने वाला कौन है। तो कारोबार हमें जोड़ता है, व्यापार हमें जोड़ता है। ये कभी कारोबार और व्यापार की बात नहीं करेंगे, ये केवल नफरत की बात करेंगे। इनके अंदर केवल नफरत की दुर्गंध है, और ये तो फूल पेड़ों के नाम नहीं जानते। जी सर, एक सवाल इधर से, सर आपकी तुलना कंपर थी, क्या चीज आपकी तुलना कंपर थी, देखिए कहा है, वो तो सुपर हिट फिल्म थी भाई, कोई बात नहीं, क्या फिल्म थी, क्या फिल्म थी, सोचो तुमने अगर न देखी हो दोबारा देख लो तुम, सुपर हिट फिल्म देखिए। और कितनी फिल्म सुपर हिट थी ये पता है, कहाँ शूटिंग हुई? एक मिनट, शूटिंग कहाँ हुई थी? रामनगर कहाँ है? रामनगर कहाँ है? रामगढ़, सॉरी कहाँ बनाया था वही रामनगढ़ और रामनगर वही है, एक ही है। ये बेंगलोर मैसूर हाईवे पर लेफ्ट साइड में है, सोचिए आप कितनी सुपर हिट फिल्म थी बताइए। ये किसने तुलना की ये बताओ हमें, कौन है गब्बर जिसने तुलना की है, किस गब्बर ने की है बताओ ना, कौन है? अच्छा तो हमारे गब्बर है कहाँ गए प्रदेश अध्यक्ष जी, ये है गब्बर हमारे, उन गब्बर को जवाब दो, आज देंगे जवाब। उनके आपने नहीं देखी वो जनसेवा यात्रा? कई जगह की तस्वीर मैंने देखी है, कई जगह की तस्वीर आई है, वो ऐसी तस्वीर है कि चौमिन ठेले पे भी ज्यादा भीड़ दिखती है।
जाने दोगे हम लोगों को कि नहीं जाना? जाइए जाइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जाति जनगणना होगी, बात करो। सब लोगों ने तय किया है कि जाति जनगणना होगी। हम समाजवादी लोग जाति जनगणना के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट, ये अनाउंस कर देना, फोटो लेना भाई आप लोग। अब भीड़ पहले आ रही है, पीछे लाइए।